आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं? आप देश के राजा हैं, आपका दायित्व है, आप जनता के टैक्स के पैसों से मशरूम की सब्जी खा रहे, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे, जिसके साथ आप ट्विटर पर फोटो डालते हैं सेल्फी लेकर। शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, शर्म कीजिए। और सिर्फ ये कहते हैं हम तो मुसलमानों की चाबी टाइट कर रहे। अरे भैया, चाबी क्या टाइट कर रहे हैं, हमको तो पूरा का पूरा घरों में बंद कर दिए आपने। तो प्रधानमंत्री जी, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई अब्दुल्ला होता, कोई कलीम होता, कोई रहीम होता, तो आज देश की मीडिया भी नागिन डांस करती और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी नागिन डांस कर रहे होते। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं चैनपी न्यूज। आपको बता दें, जो रेसलर हैं इनका धरना तकरीबन 25 दिन से अधिक होता जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और मोदी सरकार इस पूरे मसले पर खामोश नज़र आ रही है। हम इसी पूरे मसले पर बात करेंगे। जिस तरह से जो रेसलर हैं महिला पहलवान हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और पोस्को एक्ट जैसी धाराओं में FIR दर्ज की गई है, लेकिन ब्रजभूषण शरण की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी पर हम पंकज वास्तव जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आरोप नहीं है ये, ये सत्यता है। देश की बेटियां जिन्होंने देश के सम्मान के लिए और इतनी कठिन परिश्रम करके जब मेडल लेके आती है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं। जब वही देश की बेटियां चंद कदमों की दूरी पर बैठी हैं तो प्रधानमंत्री को इतना टाइम नहीं है और अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। हिंदू धर्म में नारियों का स्थान पूजनीय है जी। तभी तो आप मंत्र भी जानते होंगे, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्यों कहा गया है। तो प्रधानमंत्री जी नारी का सम्मान नहीं करते, ये बात पूरे देश को पता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतने निष्ठुर होंगे ये देश को पता नहीं था। जसोदा बेन के साथ क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी पति धर्म का निर्वाह नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के ठीक विपरीत काम करते हैं और ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, वो तो है हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म की बात। दूसरा, राष्ट्र धर्म ये कहता है, जैसा प्रभु श्री राम, जब एक प्रजा ने प्रभु श्री राम से सवाल पूछा तो माँ सीता गर्भवती थी, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की ऋषि के कुटिया में माँ सीता का परित्याग किया। प्रधानमंत्री को राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के हैं और प्रधानमंत्री जी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई अब्दुल्ला होता, कोई कलीम होता, कोई रहीम होता, तो आज देश की मीडिया भी नागिन डांस करती और प्रधानमंत्री के जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी नागिन डांस कर रहे होते। आज क्यों नहीं कर रहे? देश की बेटियां 25 दिन हो गए, प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर है, गृह मंत्री के आवास के चंद कदमों की दूरी पर है, क्या पैरों में मेहंदी लगी है? प्रधानमंत्री जी मुंह से महिलाओं का मौ नहीं बोल पाते हैं, नारियों का नौ नहीं बोल पाते हैं, बेटियों का बौ शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की जो छवि है, चाल चरित्र चेहरा है, पूरे देश के सामने है, वही ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो तिहाड़ जेल में बंद थे, जिनका दाऊद के साथ कनेक्शन का आरोप लगा था और सत्ता में थे तो सब तो मोदी जी महिला सम्मान नहीं दिखता मोदी जी। ये कौन सा महिला सम्मान है भाई? देखिए, माँ सीता रोई, रावण का सोने का लंका जरा, रावण का सर्वनाश हुआ। द्रौपदी रोई, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कौरव के 100 पुत्रों का सर्वनाश हुआ, पूरी हस्तिनापुर मिटिया मीट हो गई। जब कंस देव माँ देवकी ने रोया तो कंस का सर्वनाश हुआ और उनका जो राज था उसका सत्यानाश हो गया। प्रधानमंत्री जी चेत जाइए, नारियों का स्थान हिंदू धर्म में भी और हमारे संविधान में भी सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या हिंदू बेटियां खतरे में नहीं है? जो आप लोग कहते थे हिंदू खतरे में किस की बात आप कर रहे थे, आज हिंदू बेटियां खतरे में हैं और हिंदू परिवार की बेटियां, ये कोई दूसरे धर्म के नहीं है जो आप बरगला भी देते। आपने सिर्फ और सिर्फ देश में हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की, लोगों को भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। एक राजा का परम कर्तव्य होता है जब देश की प्रजा कुछ बोलती है, जैसा हमने रामायण में पढ़ा है, प्रभु श्री राम से सीखा है, तो उस पर अमल करना। आज उनका प्रभु श्री राम के प्रति अगर श्रद्धा होता तो प्रधानमंत्री जी यहाँ दौरे दौरे आते, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई भी सड़कों पर थे, तब एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा, सुन तो लीजिए, अभी DRDO का जो वैज्ञानिक जो पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी दे रहा था, जिनकी चार चार पीढ़ियाँ RSS में थी,
अगर उसके जगह पर कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, आप भी बिल बिलिया के डांस कर रहे होते, आप नहीं बोल रहे हैं। तो क्या आरएसएस की संस्कार शालाओं में यही सिखाया जाता है? कौन लोग थे, क्यों नहीं उस पर चर्चा करते आप? क्यों नहीं चर्चा करते आप बताओ ना? जोशी मठ की चर्चा आप नहीं करते? कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनाते, कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनने से कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? आज भी कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए और 12 महीना से कश्मीरी पंडितों के वेतन बंद हैं। आप फिर हिंदू धर्म की बात करने लग जाते? अरे भैया बताओ ना, जो कानपुर में माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर से कुचल कर, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? खोरी गाँव के लोग, क्या तुगलकाबाद के लोग, क्या शकूर बस्ती के लोग? ये सिर्फ मीडिया के दिमाग की उपज है। कश्मीरी पंडितों को 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, महंगाई की मार हिंदुओं पर है, तमाम तरह की व्याधाएं, और सिर्फ ये कहते हैं हम तो मुसलमानों की चाबी टाइट कर रहे। अरे भैया चाबी क्या टाइट कर रहे हैं? हमको तो पूरा का पूरा घरों में बंद कर दिए आपने। आप बता नहीं रहे, आप देश की बेटियां बैठी हैं। एक आप पिता होते, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा जो आदमी निसंतान होगा लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। आज प्रधानमंत्री लोक कल्याण की बात नहीं करते, सिर्फ करते क्या अंबानी की, अडानी की, नीरव मोदी की, मेहुल चौकसी की, जो उनको पार्टी फंड में चंदा देता है। क्लियर सा कंसेप्ट है। क्या प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है? 15 दिन जब कर्नाटक में बाढ़ आई हुई थी तब प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं गुजारा किया। प्रधानमंत्री जब कर्नाटक में कोरोना काल था एक बार भी उनके ही पार्टी की सरकार सर्जिकल सामग्रियों की, ऑक्सीजन की ब्लैक में मार्केटिंग कर रहा था, जहां तमाम तरह के जो उपकरण थे उसको सप्लाई करने में लगे थे, तब भी प्रधानमंत्री कर्नाटक में नहीं थे। यही हाल बनारस में है, यही हाल दिल्ली में है। चुनाव में पहुंच जाते हैं, अरे प्रधानमंत्री जी आप भाजपा के प्रचार मंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका दायित्व है आप जनता के टैक्स के पैसों से मशरूम की सब्जी खा रहे, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहे। प्रधानमंत्री जी कम से कम उस धर्म का तो निर्वाह कीजिए, सीखिए। हम देखते हैं क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्यों नहीं मिलेगा? भारत में अभी संविधान है। संविधान होता, संविधान होता तो पॉस्को एक्ट लगने वाले व्यक्ति को 24 घंटे में अरेस्ट तो लीजिए ना। एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन संविधान के दायरे में ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया, सजा होगी। दाऊद के साथ इनके कनेक्शन थे, ये तिहाड़ जेल में बंद थे, कितनी हत्याएं वहां पर किया इनका, पूरा बलरामपुर के एरिए में, गोंडा के एरिए में आतंक है, राज है, समानांतर सरकार चलती है। इससे तो देश की जनता को साफ स्पष्ट पता चल गया, योगी जी की नजरों में अपराधी नहीं लग रहा। कौन योगी? कोई भगवा पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता ना। हमने रामायण देखी है, कालनेमी राक्षस को देखा है, हमने रावण को देखा है। रावण अगर अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता? भगवा वस्त्र की अपनी एक अहमियत है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भगवा वस्त्र को दूषित कर दिया है, बदनाम किया है धर्म को। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म एक सभ्यता है, संस्कृति है, जिसके तहत हम लोक कल्याण की बातें करते हैं। धर्म की अपनी मर्यादाएं हैं, धर्म की मर्यादा यह नहीं कहता कि आप बलात्कारी के सम्मान में, आपने बिलकिसवानों के सम्मान में देखा होगा तब तो आप ढोल नगाड़े बजा रहे थे उनके सारे आरोपियों को, जो उनके बच्चों की हत्या करने वाले लोग, एक महिला के साथ कई पुरुष मिलकर बलात्कार करता है और उसके सम्मान में प्रधानमंत्री जी कसीदे करते हैं और गृहमंत्री कसीदे करते हैं, इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? और इससे बड़ा धर्म और देश का बदनामी क्या हो सकता है? आज भी देश की बेटियां बैठी है जिसके साथ आप ट्विटर पर फोटो डालते हैं सेल्फी लेकर, शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, शर्म कीजिए। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आप देश के राजा हैं और प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में प्रजा को सवाल पूछने का अधिकार है, सिर्फ संविधान में ही नहीं हमारे धर्म में भी। सोचिए प्रभु श्री राम से पूछने वाला वह प्रजा कितना खुश नसीब होगा जिसके कहने से राजा ने अपने राजा का धर्म निर्वाया, प्रभु श्री राम ने अपने राजधर्म का निर्वाह किया। तो प्रधानमंत्री जी आप भी अपना राष्ट्रधर्म अपनाइए ना, आप नहीं अपनाते, आप पुलवामा पर नहीं करते, आप उल्टा सत्यपाल मलिक को फंसाते हैं। क्यों? तो वो सवाल पूछता है। अरे भाई ये सवाल तो हमने 2019 में कही थी कि जब दिल्ली में बैठी मोदी सरकार और उनके मंत्रालय चारों तरफ बॉर्डर उनके कब्जे में है तो देश में ये आरडीएक्स कहाँ से आया, ये जेलेटिन कहाँ से आई, वो कार किसकी थी? आज तक आपने माँ भारती के लालों के बारे में नहीं सोचा, माँ भारती के उन वीर सपूतों के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। आपके पास इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, आपके पास सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, आपने एयरलिफ्ट नहीं कराया। आप चुनावों में एयरलिफ्ट होते, खुद ही उड़न खटोला पर उड़ते, लेकिन जो माँ भारती के लाल थे जिनके सरहदों की सुरक्षा के कारण हम महफूज होते हैं, हम सभी देशवासी उन माँ भारत लालों के कारण गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कोई माँ भारत की कलाल जो हमारी सुरक्षा करता है और उनकी सुरक्षा के बदौलत हम महफूज होते हैं।